नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके गोट फार्म किशनगढ़ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे अगली जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बकरी फार्म खोलने के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बकरी फार्म खोलने में इंटरेस्ट रखते हो, बकरी पालने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि आपका बकरी फार्म करने का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ मीन्स बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शौक के लिए बकरियां पालते हैं, सिर्फ दूध के लिए, मिल्किंग फॉर ओनली दैट मिल्किंग। अब जो नए युवा साथी हैं उनका एक ये प्रोफेशन ही हो गया है, जो बकरी फार्म का बिज़नेस है वो उनका प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो अगर आप उस टाइप से फार्म को करना चाहते हो, फार्मिंग की लाइन में आना चाहते हो, तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो अपन बना सकते हैं, उसमें ऐसा ये होता है कि अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे फार्म चलाना है, कौन सी बकरी चूज़ करनी है अपने को, कौन सी बकरी को क्या खिलाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो के एंड तक जानेंगे। अगर इस वीडियो में नहीं जान पाए तो अगली जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे अच्छी और बढ़िया नस्ल की बात करूँ तो वो सिरोही जो नस्ल आती है वो सबसे अव्वल नस्ल आती है। ठंडी गर्मी के अंदर रहने वाली जो नस्ल है, जिनसे इनको कुछ इनकी जो कम्युनिटी होती है, इट मीन्स इम्यूनिटी पावर, जो इम्यूनिटी पावर होता है वो इनका स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके बारे में अपने को फार्मिंग के करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितनी लागत में, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी बनाने के लिए, आप वीडियो में जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फार्म स्टार्ट करना है। तो थैंक यू दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।